एसएसआर वारियर इज मोर इंटेलिजेंट, और वो देखिए उनका इन्वेस्टिगेशन कितना शानदार है। अभी एक दर्शक लिख रहे हैं कि देयर इज वन बीजेपी पर्सन नेम्ड आसिफ भामला हु इज हैविंग थिक बॉलीवुड टाइज, और देव माल्या बैनर्जी जिन्होंने एक मेल लिखा था ड्रोल्स कंपनी को, वो मेरे साथ कई बार शो में आ भी चुके हैं, ही इज अगेन वॉचिंग द शो लाइव। वो लिख रहे हैं कि हाँ आसिफ भामला के बारे में वो उनको इंडोर्स कर रहे हैं। एक दूसरे दर्शक लिख रहे हैं सर दिनों मौर्या कुछ सेटिंग करने के लिए तो नहीं गया था। ये सवाल तो मैंने उस दिन भी उठाया था, ये एप्रिहेंशन मैंने उस दिन रेज किया था। खैर मैं उस मामले में बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ नीलेश जी कि प्रधानमंत्री को नहीं मालूम, वो उनके सामने पोर्ट्रे कर दिया होगा। डिनो मौर्या एक बहुत बड़ा एक्टर है, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग उनसे मिल रहे थे 25 तारीख को क्रिसमस के दिन, तो वो चले गए होंगे। इसमें प्रधानमंत्री का मेरा मैं भी मानता हूं इस बात को कि इससे कोई लेना देना नहीं होगा। और जैसा कि आपने कहा कि सरकार अभी इस मामले में आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और जो गैंग है उस गैंग को बचाने के फिराक में नहीं है। कई बात सच है। कुछ दर्शक लिख रहे हैं, कुछ दर्शक मुझे भेज रहे हैं संदेश, नीलेश जी वो आपसे एक लाइव सेशन करना चाहते हैं जिसमें शायद वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? कल या परसों कोई एक डेट मुकर्रर कर दें, बड़ी संख्या में आकर के बात करना चाहते हैं आपसे, और बहुत लंबा समय हो गया इसीलिए नए साल में, चूंकि अब रिया चक्रवर्ती भी दुबई से उनको आना ही पड़ेगा, उनको कोर्ट को नोटिस देना पड़ेगा, तो आपने भी बहुत सारे FIR अभी करने हैं। थोड़ा रुकिए, जैसा मैं फ्री हो जाऊंगा ये जो रिप्रेजेंटेशन से मैं आपको टाइम बताऊंगा, उस समय लाइव सेशन कर लेंगे। नोएश चलते चलते एक सवाल का जवाब दे दीजिए, जो 14 दिन के अंदर में जो FIR करना था जिसकी डिमांड आपने की थी SIT को, जो FIR करना था उस FIR का स्टेटस क्या है? उन्होंने नहीं किया, हम कोर्ट में जाएंगे, नो इश्यू। वो SIT पूरा एक-एक स्टेटमेंट वेरीफाई करी, लेकिन अपना काम हो रहा है, मतलब कि जो FIR होने के बाद हुआ था वो अभी हो रहा है, लेकिन हमारा कहना है कि FIR रजिस्टर होके होता तो ज्यादा बेटर होता, तो उसके लिए हम तो जाएंगे कोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी आप समय निकालने के लिए। कल या परसों हम दोबारा अपने SSR वॉरियर को ये बताना चाहते हैं और दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी आप ऐसा ख्याल भी मत लाइएगा कि क्यूबाइप नेटवर्क इस अभियान से हटने वाला है। इस अभियान को लॉजिकल कंक्लूजन तक क्यूबाइप नेटवर्क लेके जाएगा और साथ में नीलेश जी के साथ मिलकर हम लड़ाई लड़ेंगे और सिटीजन कोर्ट ऑफ भारत के साथ हम इस लड़ाई को आखिरी अंजाम तक ले जाएंगे। नंबर वन। नंबर टू, अभी एक बहुत बड़ी जो सफलता मिली जो CBI ने 26 दिसंबर को कोर्ट में एडमिट कर लिया अब कि अभी इस केस में मोमेंटम आ गया है और ये मोमेंटम SSR वॉरियर के कंसिस्टेंट 4 साल अब होने को हैं, 3 साल 3.5 साल तक कंसिस्टेंट लड़ाई आपने जो लड़ी है उसको मैं सल्यूट करता हूं और आपकी लड़ाई के बिना क्यूबाइप नेटवर्क इसको आगे बढ़ा नहीं सकता था। आप साथ में हैं तभी इस लड़ाई को हम लड़ पा रहे हैं। एक और दूसरा, संदीप सिंह और उनकी जो गर्लफ्रेंड है जिन्होंने कहा था हु आर दीज SSR वॉरियंस, तो आपको SSR वॉरियन के वजूद को बताना है और क्यूबाइप नेटवर्क इन लोगों को बताएगा। संदीप सिंह के ऊपर भी हम जल्द एपिसोड करने वाले हैं कि वो क्या क्या गुल खिलाता है और ड्रग डीलर्स की इन्वेस्टिगेशन नार्कोटिक डिपार्टमेंट्स कैसे कैसे कर रही है इस पर भी बताएंगे। आज आपके लिए एक बड़ी खबर कि CBI ने स्वीकार किया कि जांच सही दिशा में बढ़ रही है, इसलिए हौसला बनाए रखिए, सत्य और न्याय जरूर जीतेगा। अभी के लिए आशुतोष कर्म दीजिए, नमस्कार। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।